सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे इसी जनपद से हैं, महेंद्रनाथ पांडे जी, और सत्ताधारी दल से एक मंत्री भी हमारे ही जिला से है, माननीय मनोज सिन्हा जी। अगर वो चाहते तो अब तक हमारे यहाँ ठोकर नहीं डैम बन चुका होता। आखिर वजह क्या है? पिछली बार भी हमारे यहाँ ठोकर बना, विशेषज्ञों से राय लेने के बाद यही पता चला कि हमारे गांव पर गाजीपुर से इधर निकलने पे जितने भी गंगा तीरी क्षेत्र है वहां ठोकर से काम चलने वाला नहीं है, वहां पे डैम बनाया जाएगा। डैम बनाने के लिए खर्चा बहुत ही ज्यादा आएगा, जो कि 10-20-25-50 करोड़ से भी ज्यादा आएगा। हमारे यहाँ की मिट्टी है, बालू है, जो कि धंसती जाएगी। तत्काल में बजट हर सरकार के पास, हर शासन के पास एक दोस्त होना, आगे की काम होना। इस बार की बाढ़ आएगी फिर गिरेगा। परसों एडीएम बाढ़ आने की संभावना कम है, वह लिख कर दे नहीं सकते हैं कि बाढ़ नहीं आएगी। तत्काल व्यवस्था यह की जा सकती है कि बीच में जो बालू है, बालू को कटाई करके पानी का मुख घुमाया जा सकता है, इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। अभी हम गवई स्तर पे बात कर रहे थे, जहां तक राजनीतिक स्तर की बात होती है, मोदी और योगी को हिलाने की कुवत रखता हूं मैं तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते। अगर जरूरत पड़ी तो यहां पे हमने पूरे कैबिनेट को, जो कि पूरा विधान सभा के मेंबर है, सांसद है, 34 सांसद और 12 राज्यसभा सांसदों को लेकर मैं चल रहा हूं तृणमूल कांग्रेस में। अगर किसी को यह शंका होगा कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस क्या कर सकती है, तो लोकल स्तर पे लोगों को सोचने के लिए वो काफी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस वह कर सकती है उसके बारे में योगी और मोदी सोचते होंगे कि तृणमूल कांग्रेस क्या कर सकती है। मैं अपने पार्टी के प्रभारी और महासचिव से भी बात कर चुका हूँ, उन सभी लोगों का है कि आप देखिए, मैंने बोला था कि जब गाँव ही नहीं बचेगा तो मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होकर क्या कर पाऊंगा। मेरी लड़ाई यहाँ पर जिला स्तर के किसी राजनीतिक व्यक्ति से नहीं है, नहीं यहाँ के जिलाधिकारी से ही, नहीं एडीएम से। मेरी लड़ाई डायरेक्ट यहाँ पर योगी से और मोदी से है। मैं आप सब लोगों के सामने, आप लोगों के मार्गदर्शन में, अगर जल समाधि लेने की नौबत आई तो उसमें भी कूदने का काम करूंगा। लखनऊ और दिल्ली पैदल मार्च भी करने का काम करूंगा। आप लोगों के समक्ष यह होता होगा कि यह कहीं ज्यादा न बोलता होगा। गाजीपुर छोड़ने के बाद मैं हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगाने की क्षमता रखता हूँ, अपने गांव को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की बात करता हूँ। लेकिन एकता में शक्ति होती है। अपने ग्राम पंचायत, खासतौर से मैं सेमरा के सभी उन सम्मानित लोगों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति हुई है, यह सिर्फ सेमरा की देन है, न कि पूरी पंचायत की देन है। मैंने परसों भी बोला था सभी लोगों को, यहाँ से धामपुरा से लेकर सिरपुर खुद 80-85-76-70 तक सभी लोगों से मिलकर जनसंपर्क करिए। अगर आज यहाँ पर बाहर के लोग नहीं आए होते तो अपनी औकात क्या होती, आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। यहाँ पर सिर्फ भाषण देने की बात नहीं है, सिर्फ बातों को निकाल कर बोलने की बात नहीं है। अगर यहाँ पर सिरपुर से कोई आता है तो माँ बहन की गाली सुनकर जाता है, आप लोगों ने दिया हुआ है। इस स्थिति को भूलिए। गाजीपुर ही नहीं वरन एशिया के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है शेरपुर। 5 अंगुली से मिलकर मुट्ठी है, एक निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा, एकलव्य की तरह भी आप निशानेबाज नहीं रह जाएंगे। अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उस चीज पे, प्रेमनाथ गुप्ता जी आपसे भी मैं वही कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े ग्राम पंचायत में आपको क्या जरूरत पड़ी थी। राजेश भाई पिंटू जी है, आपको भी बुरा लगेगा, बुरा मत मानिएगा, क्या शेरपुर में बांध का निर्माण विच्छाटन करके हो सकता है? विच्छाटन करके इतना फंड मिला है, उस फंड का प्रारूप क्या होता है, किसी भी आंदोलन का प्रारूप क्या होता है, उस आंदोलन का प्रारूप अगर जानना हो तो हमसे भी पूछा जाए। क्योंकि सन 2001 से लेकर 10,000 तक लगातार मैं गाजीपुर में आंदोलन ही करता रहा हूँ। 2010 के बाद से नेशनल स्तर पर मैं किसानों की राजनीति करता रहा हूँ। जितने किसान संगठन है, अदर संगठन ही नहीं, उन सभी संगठनों में मुख्य भूमिका निभाता रहा हूँ। आप लोगों के बीच में आवारा की दर्जा पाकर मैं घुमा हूँ। लेकिन जितना पैसा मिला है, क्या आप लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर यहाँ के जिलाधिकारी को सौंपने का काम किया है? तो जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को, योगी आदित्यनाथ को, यहाँ
विश्वास हो रहा हूँ कि जो गांव अपने गंगा में विलीन हो रहा है उसकी इस योजना समाप्त होते हुए आप देखना चाहते हैं, वह गांव के लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, समाज सेवी संगठन भिक्षाटन कर रहे हैं कि हमारे द्वारा मांगे गए भिक्षा से आप अपने प्रदेश का निर्माण करिए। आंदोलन का प्रारूप वो होता है। यहाँ पे करोड़ों 20,000 करोड़ से कम का बजट नहीं लगेगा डैम बनाने में। अगर सिर्फ बांध की बात कर यहाँ पे सिर्फ ठोकर की बात करते हैं तो हर बार ठोकर गिरेगा, हर बार लड़ेंगे। आज शेरपुर से मरा के लड़ रहे हैं, रेवतीपुर रामपुर के लड़ेंगे तो गौसपुर विरोध के लिए लड़ेंगे, इधर चौसार बीरपुर के लिए लड़ेंगे, किनके गांवों के लिए लड़ेंगे। आप सभी महानुभावों से निवेदन है एक ऐसी रणनीति बनाई जाए इसी चौपाल में बैठकर शेरपुर सिमरा एक नजीर पेश करे पूरे गंगा तीरी गांव के सुरक्षा के लिए, पूरी गंगा तीरी गांव के बचाव के लिए, न कि सिर्फ सिर्फ यहां के लिए लड़ाई लड़े। आज हमारे पास खोने के लिए क्या है? सभी लोग अपने मकान से निकलकर टेंट और तिरपाल में आ गए। अगर यह गांव गिर गया तो इधर का गांव गिरने में कोई देर नहीं लगेगी। यहाँ पर बात होती है सभी रिश्तेदारों को बटोरो, सभी लोगों को बटोरो। कितने लोग गए हैं, कहाँ कहाँ गए? आज अगर देखा जाए सोशल साइट पे आवाज उठती रही है, सोशल साइट पे आवाज उठती रही है, जिसमें कि हमारे रेवतीपुर से करेल क्षेत्र से विकास भी है। न्यूज पेपर में मैं दैनिक जागरण का आभार प्रकट करना चाहूंगा, तमाम उन न्यूज चैनलों का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे गांव की समस्या को उठाया। क्या हमारी प्रदेश सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि इतने बाहर हो चुके हैं कि इन लोगों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है? आखिर क्यों नहीं पहुंच रही है, यह भी सोचने की बात है। यहाँ पे कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, वैसे ही बौद्धिकता किताब की मोहताज नहीं होती। लेकिन मैं पिछले 2 साल से इस समस्या पे लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तत्कालीन मंत्री थे उस समय उमा भारती जी, उनके पास भी मैं गया, उनसे भी बात भी किया, प्रतिनिधिमंडल भेजने की भी बात हुई, लेकिन सब कुछ हवा हवाई हो गया। यहां पर मैंने बात भी किया, यहां पर आप कहेंगे पिछली सरकार में भी मेहनत किया गया, पिछली सरकार में ठोकर बना, ठोकर का अभिप्राय जो भी वहां पे काम हुआ, जो ऐसे भी हुआ, एकदम थर्ड क्लास का हुआ, किसी ने आवाज उठाने का काम किया। अगर आवाज उठाए तो सबके कानों तक आवाज पहुंची क्यों नहीं? मैं बातें बहुतों को बुरी लग रही होंगी, लेकिन बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों को अस्थाई निदान चाहिए। आप सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि एसडीएम के यहां बैठना छोड़िए, डीएम के यहां बैठना छोड़िए। आपकी लड़ाई यहाँ पे डीएम और डीएम नहीं लड़ सकते, उन बेचारे के पास तो यही औकात है कि आपको लिखकर कागज आगे भेज सकते हैं। लड़ना है तो लखनऊ घेरिए, लड़ना है तो दिल्ली घेरिए। मैं साथ हूँ पूरा तृणमूल कांग्रेस का। सांसद और विधायकों को उतारना पड़ा तो मैं उतारने को तैयार हूँ। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज के परिवेश में पूरे देश में, अगर मोदी की भी कोई ना कोई बात फंसती है तो तृणमूल कांग्रेस से फंस रही है, योगी की तो बात ही। आप सभी लोगों को अपनी इन बातों के साथ सादर प्रणाम करता हूं। जय गांव। धन्यवाद नीरज राय जी। हम लोग बीच में लोकहित मंच के जिलाध्यक्ष